मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूँ, और ये शोफ वाले जरा मुझसे दूर रहे, मैं ब्रांडेड चीजें नहीं ब्रांडेड सोच रखता हूँ। हे गाइस, बेटू आर्मी है। गाइस, अब फाइनली मेरा स्कोर है ग्रांड मास्टर पे 9000 हो चुका है, एंड मैं इस सीजन कंटिन्यूअसली सोलो में ही रैंक पुश कर रहा हूँ। एंड कल तो गाइस मैंने लिटरली एक दिन में 1000 से भी ज्यादा स्कोर पुश कर लिया, वो भी सोलो में। एंड गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह सोलो में ही ग्रांड मास्टर या फिर रीजन करना चाहते हो तो फिर ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज की वीडियो में जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उससे हर 10 गेम में से 8 गेम तो कन्फर्म आपका बुया होगा, एंड बाकी के 2 में भी आप इजिली टॉप 2 टू टॉप 3 कर सकते हो। इसीलिए गाइस, अगर आप लोग अभी तक डायमंड या फिर हीरोइक पे फंसे हुए हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उस स्ट्रेटेजी को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो चलो गाइस, बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गाइस नूब लॉबी ग्लिच को एक्टिव करना है, एंड उसके बाद अपने रैंक मैच को स्टार्ट करना है। नूब लॉबी ग्लिच एक्टिव करने से फायदा ये होगा कि सेकंड जोन में ही आपका पोजीशन टॉप 10 हो जाएगा, जब तक कि आप जोन के बाहर ही रहोगे। एंड जैसे ही गाइस उसके बाद आपका पोजीशन टॉप 10 हो जाएगा, देन फिर आपका माइनस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो फिर आप नॉर्मली 2 से 3 किल करके इजिली अपने गेम को बुया करने के बाद 40 से 45 का प्लस हर मैच में ले सकते। एंड आई थिंक कि आपके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम नूब लॉबी ग्लिच को एक्टिव करें कैसे। तो गाइस, उसके लिए आप लोग ये वीडियो पूरा देखो, इस वीडियो के अंदर ही मैंने वो भी बता रखा है कि आप नूब लॉबी ग्लिच को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। एंड गाइस, जब फाइनली मेरा गेम स्टार्ट हो जाता है एंड हम लोग लॉबी में आ जाते हैं, एंड गाइस आप लोग देख लो कि ये कितने नूब बंदे आए, मतलब कि लीडर बोर्ड पे मेरा नाम 2 नंबर पे आ गया, जबकि मैंने इलाइट पास को भी नहीं लिया। तो गाइस, इस पूरे गेम में एक भी बंदा ऐसा नहीं आया जिसने इलाइट पास को परचेज करा, तो एक तो ये कंफर्मेशन हो गया कि हां, चलो नूब लॉबी ग्लिच तो वर्किंग है। गाइस, जब तक हम लोग प्लेन में आते हैं मैं आपको कैरेक्टर बता दूं, तो कैरेक्टर में आपको एक्टिव स्किल में लेना है के कैरेक्टर, एंड पैसिव स्किल में लेना है नोटोरा फोर्ड मैक्सिम, एंड पेट में आपको ओटेरो पेट लेना है। एंड गाइस, फाइनली हम लोग प्लेन में आ जाते हैं, एंड अब आती है मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको लैंडिंग कहां पे करना है। सो गाइस, लैंडिंग से पहले आप लोग लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर देख लो, बीआर रैंक्ड एंड ग्रैंड मास्टर का लोगो आपको दिख रहा होगा, मतलब ये कंफर्मड है कि ये रैंक्ड मैच है। एंड गाइस, लैंडिंग के लिए तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कोशिश करना प्लेन से दूर लैंड करने की, जहां पे बंदे बहुत कम आते हो। एंड गाइस, ज्यादातर तो कोशिश करना बरमूडा में, जब भी आप सोलो में रैंक पुश करते हो एंड जोन सर्वाइव करने वाले हो तो प्लांटेशन में ही लैंड करने की कोशिश करना। एंड दैट्स द रीजन गाइस कि मैं भी प्लांटेशन में ही लैंड करता हूँ। देन फिर गाइस, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे जो 2 LSF है उस दोनों LSF को लूटना है, एंड देन फिर जोन के बनने देने का वेट करना है। उसके बाद गाइस फाइनली जैसे ही फर्स्ट जोन बन जाता है, एंड देखना है कि ब्लू जोन जोन के बाहर है या अंदर। जैसे देखो गाइस, यहाँ पे सेंटोसा में ब्लू जोन है एंड वो ब्लू जोन जोन के बाहर है। गाइस, यहाँ के बाद ना आपको अब कोशिश करना है कि किसी भी तरह ब्लू जोन पहुंच जाओ, क्योंकि गाइस जोन श्रिंक करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने फर्स्ट और सेकंड जोन के लिए आपको जोन कैरेक्टर लेने को बोल दिया। गाइस, उससे फायदा ये होगा ना कि जोन श्रिंक करने के बाद आप ब्लू जोन पहुंचोगे तो वहां पे तो आप लूट भी करोगे, ब्लू जोन में आपको बंदा भी नहीं मिलेगा, एंड जब तक सेकंड जोन तक आप लूट करोगे तब तक आपका पोजीशन भी टॉप 10 हो जाएगा, क्योंकि नूब लॉबी ग्लिच लेने को तो मैंने आपको बोल ही दिया। गाइस, जब फाइनली अब फर्स्ट जोन श्रिंक भी करने लगता है तो फिर यहाँ पर जो गाड़ी रहता है मैं उस गाड़ी को लेता हूँ, एंड डायरेक्टली उसके बाद सेंटोसा में ब्लू जोन है तो वहां जाने का टारगेट रखता हूँ। गाइस, जब तक मैं सेंटोसा पहुंचता हूँ तब तक मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरी अगर वॉइस क्वालिटी में थोड़ी सी भी इशू आए ना तो गाइस इग्नोर करना, बिकॉज गाइस हेल्थ इशू है, मेरे को फीवर भी बहुत तेज है एंड आवाज भी पूरा भारी हो चुका है। बट गाइस फिर भी मैं वीडियो इसीलिए डाल रहा क्योंकि यूट्यूब के सस्ते नशे मेरे को नहीं पता, यूट्यूब मेरा चैनल ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा है। गाइस, आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस, फाइनली देख लो आप लोग तो फर्स्ट जोन श्रिंक करके कितना दूर जा चुका है, एंड उसके बाद अभी भी सेंटोसा में ब्लू जोन है, एंड मेरे को जाना है ब्लू जोन, क्योंकि वहां पे जाने के बाद मेरे को थोड़ी बहुत लूट मिल जाए। इसलिए गाइस क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जिपलाइन के पास आता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे जो मेरे को एक बॉक्स दिखता है वो बॉक्स खुला हुआ नहीं होता, तो उस बॉक्स को खोलता हूँ, एंड उसके बाद गाइस मैं सीधा इस जिपलाइन को एक पकड़ने के बाद डायरेक्टली सेंटोसा में ब्लू जोन चला जाता हूँ। फाइनली गाइस अब मैं ब्लू जोन आ चुका हूँ, एंड गाइस आप लोग देख लो कि अभी फर्स्ट जोन ही श्रिंक किया, मतलब सेकंड जोन श्रिंक करना स्टार्ट भी नहीं हुआ, एंड पोजीशन सिर्फ टॉप 17 हो चुका है। एंड इसी कारण से गाइस मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप नूब लॉबी ग्लिच को एक्टिव कर ही लेना, क्योंकि गाइस वो जो ग्लिच है वो एंटी बैन ग्लिच है, एंड उससे आपकी आईडी भी बैन नहीं होगी, एंड हर गेम में आपका सेकंड जोन तक पोजीशन टॉप 10 भी हो जाएगा। जब फाइनली मेरा पोजीशन देख लो तो टॉप 15 हो चुका है, एंड अब सेकंड जोन श्रिंक करने लगा। एंड यहाँ पे देख लो गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, लूट कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे ग्लोबल परचेज करता हूँ, एंड ग्लोबल परचेज करने के बाद हिटलिस्ट से देख लेता हूँ कि यहाँ पे आसपास मेरे कोई बंदा है या नहीं। एंड गाइस जब भी आप जोन के बाहर लूट करना ना तो ये हिटलिस्ट का यूज जरूर कर लेना, उससे क्या होगा ना कि अगर आपके आसपास कोई भी बंदा होगा ना तो उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा। जैसे देख लो गाइस मेरे को मैप के बीच में लोकेशन दिख रहा है उस बंदे का, एंड राइट साइड में ऊपर में ना उसका नाम भी दिखता है। तो गाइस अगर आप लोगों को उस बंदे का नाम देखने के बाद पता चल जाए कि अगर बंदा नूब दिख रहा है तो फिर आप उसको मार भी सकते हो जोन के बाहर, एंड अगर बंदा प्रो दिख रहा है तो आपके पास तो गाड़ी, आप उसके
बगल से भी निकल सकते हो जोन के अंदर। एंड गाइस फाइनली मैं यहाँ पे अब जिपलाइन से उतर जाता हूँ, उसके बाद तो मेरे को वो बंदा नूब दिख रहा होता, तो मैं सोचता हूँ क्या चीज की गाड़ी से चलो जाते उस बंदे को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बंदा तो नूब है ना, पोजीशन भी टॉप 14 हो चुका है। एंड गाइस फाइनली देख लो तो सेकंड जोन श्रिंक करने के बाद रुक चुका है, मेरा पोजीशन टॉप 10 हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया था। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को ये बंदा दिखता है, इसको भी मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। अब आप खुद ही देखो गाइस, तो इतने बड़े से जोन में केवल 8 बंदे बचे, एंड इजिली आप गेम को बुझा कर सकते हो गाइस, क्योंकि नूब लॉबी ग्लिच लगाया हो तो पोजीशन तो टॉप 10 हो ही गया, एंड बाकी के जो बंदे बचे ना वो भी पूरे बॉट है। फाइनली गाइस जब पोजीशन फिर से श्रिंक करने लगता है तो मेरे पास यहाँ पे हिटलिस्ट वाला टोकन रहता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना हिटलिस्ट से बंदे देख लूँ कि कोई भी बंदा मारने को मिल रहा है या नहीं। बट फाइनली गाइस मैं जैसे हिटलिस्ट से खरीदता हूँ ना, तो एक बंदा मेरे को दिखता है, इस बंदे का नाम मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली गाइस देख लो आप लोग, तो मेरा पोजीशन टॉप 5 हो चुका है। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता मारने के लिए, पता नहीं ये बंदा थोड़ा बहुत सही खेल रहा था, बट बंदा तो खैर एक्चुअली गाइस नूबी होता है। फाइनली गाइस यहाँ पे तो मैं बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना गाइस, बंदे का नेम देखो भाई कैसा नेम आता है, मतलब 2 किल मेरा हो चुका है, पोजीशन भी टॉप 4 हो चुका है। बंदे यार क्या ही बोलो यार, इतने नूब बंदे भी नहीं आने चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गाइस कि अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसा डाउट होना कि मैंने क्लासिक मैच स्टार्ट कर रखा है, तो गाइस मैं जितना बार छोटा वाले मैप को ओपन करता हूँ आप लोग उतना बार देख लेना, लेफ्ट साइड में आपको बी आर रैंकर ग्रांड मास्टर का लोगो दिखेगा ही दिखेगा। एंड फाइनली गाइस देख लो कि इतना बड़ा जोन बचा हुआ है, एंड अभी भी सिर्फ पोजीशन में टॉप 2 हो चुका है, तो मतलब सिर्फ लास्ट बंदा, एंड गाइस ये लास्ट वाला बंदा भी इतना नूब है ना यार, क्या ही बोलूं मैं चाहता गाइस तो इसको इस एलसेफ के ऊपर भी रस करके मार देता, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता, सोचता हूँ ये क्यों रिस्क लो भाई, लास्ट वाला बंदा है, फालतू का मेरा बुया बर्बाद चला जाएगा। गाइस आप में से जिस बंदे को भी नूब लॉबी ग्लिच यूज करना नहीं आता, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आके आप लोग वीडियो को चेकआउट कर लेना। गाइस जब फाइनली यहाँ पे मेरे पास वॉल एक भी नहीं होता, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना वॉल परचेज कर लूँ, अगर मेरे पास अनलिमिटेड टोकन है तो, और बाकी चीज खरीदने की तो जरूरत है नहीं। मैं सोचा था हिटलिस्ट खरीद के देखो क्या इस बंदे का लोकेशन मेरे को दिखता है, बट गाइस अगर लास्ट वाला बंदा बचता है ना तो फिर लोकेशन नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि अगर लास्ट वाले बंदे का लोकेशन दिखा देगा तब तो ये अनफेयर गेम हो जाएगा ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, एक ही बंदा बचा एंड आपको उसका लोकेशन पता है बट उसको आपका नहीं पता, तब तो आप इजिली उसको मार ही दोगे ना। एंड गाइस जब फाइनली देख लो आप लोग, तो जोन श्रिंक करने लगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वेट करता हूँ, क्योंकि उस बंदे को तो कूदना ही पड़ेगा ना, बट वो बंदा यहाँ पे कूदने की कोशिश करता है, मैं उसको जैसे ही डैमेज देता हूँ तो बंदा क्या करता है, उस घर के ऊपर चला जाता है। एंड आप लोग खुद ही देखो गाइस, तो वो बंदा कितना ज्यादा नूब है, मतलब मैं उसको मार रहा हूँ, बंदा कहीं और ही मार रहा है यार, मतलब लास्ट वाला बंदा अगर इतना आसान मिलेगा तब तो आपका हर गेम बुया होगा, ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कंफर्म बोला ही। सो गाइस फाइनली मेरा गेम बुया हो जाता है, एंड आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, बट उससे पहले गाइस आप लोग देख लो कि मेरे को कितना प्लस मिलता है। सो फाइनली गाइस मैं अपने गेम को बैक करता हूँ, तो मेरे को टोटल 24 का प्लस मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।